पोल्यूशन कई चीजों से होता है और कई स्टेप्स उठाने की जरूरत है। पोल्यूशन डस्ट से होता है, हमने ये तय किया है दिल्ली के अंदर कि कोशिश करेंगे 1 अप्रैल से ज्यादा सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग कराएंगे, तो सारी डस्ट वैक्यूम क्लीनर में आ जाएगी, तो सड़क के ऊपर डस्ट ही नहीं बचेगी, तो डस्ट उड़नी बंद हो जाएगी। आप में से अगर 9 बजे के बाद कुछ बच्चे कहीं गए हों तो रात को देखोगे खूब सारे ट्रक्स आते हैं दिल्ली के सड़कों के ऊपर, आते हैं ना, वो बाहर से ट्रक्स आते हैं, दिल्ली में एंटर करते हैं और इन ट्रक्स की बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है। सारी रात ये ट्रक जो है दिल्ली में पोल्यूशन करते हैं और अगले दिन जब हम सुबह निकलते हैं तो वो सारा पोल्यूशन अपने को एटमॉस्फेयर के अंदर मिलता है। तो इसके ऊपर भी 2 कदम उठा रहे हैं, एक तो ये कि अभी ये 9 बजे के बाद ये सारे ट्रक दिल्ली में एंटर किया करते थे, अब हमने तय किया है कि ये 11 बजे के बाद एंटर करेंगे ताकि 9 से 11 बजे तक भी ठीक ठाक रहे अपनी हवा। तो दिल्ली के दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में सड़क बनाई जा रही है, तो थोड़े दिन में जब ये सड़क बन के तैयार हो जाएगी तो जितने ट्रक दिल्ली के लिए नहीं आते वो सारे बाहर की बाहर निकल जाया करेंगे और अपनी सड़क जो है अपनी दिल्ली की हवा को वो खराब नहीं करेंगे। हम लोग देखते हैं कई जगह कूड़ा जलाया जाता है, ये जो कूड़ा जलाते हैं ना इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा धुआं होता है और ये धुआं सेटल हो जाता है और सर्दियों के दिनों में खास तौर से ये नीचे ही सेटल हो जाता है। इसके ऊपर भी सरकार ने एक ऐप बनाया है, आप लोग भी उस ऐप को अपने अपने फोन में डाउनलोड कर लेना, अपने मम्मी पापा को बोलना कि उसे डाउनलोड करें और कहीं ऐसा कूड़ा जलता हुआ दिखाई दे उसकी बस फोटो खींच के हमें भेज देना और कुछ नहीं भेजना, हमें पता चल जाएगा सैटेलाइट के जरिए कि वो कूड़ा एग्जैक्टली कहाँ है और हम जो कूड़ा जला रहा है उसको भी और वो कूड़ा जलाने दोनों को ठीक करेंगे, उसके ऊपर फाइन लगाएंगे और वो कूड़ा जलाने को रोकेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने अपने परिवार और दिल्ली के सभी लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करूंगा।